अंशी और मैंने दोनों के दोनों ने ये प्लान किया कि हम दोनों के दोनों उसको सरप्राइज देंगे। तो अंशी की भी यही प्लानिंग थी। मैंने तो सोचा भी ये प्लानिंग की है। तो पापा ने। अंशी हम एक काम करते हैं, सारा कुछ रेडी करते हैं मम्मी जाने से पहले, है ना? तो चलो फिर हम करते हैं। वैसे इन दोनों ने सरप्राइज देने की कोशिश अच्छी की है, पर मुझे पता लग गया था क्योंकि पकौड़े बनेंगे तो खुशबू भी आएगी। ये इन्होंने पहली बार फर्स्ट बार पकौड़े बनाने की कोशिश की है, तो टेस्ट करके देखूंगी कैसा है। तुम भी खाओगे? अंशी का ये प्लान था, उसने ही कहा था, है ना अंशी? अंशी का प्लान था कि पापा ऐसे करेंगे मम्मी के साथ, और अच्छा था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आज 30 साल की हो गई हूँ, तो मेरा ये 30वां बर्थडे है और बहुत अच्छा है। पर इसी खुशी में मैंने पहली बार पकौड़े बनाए, आज से मैंने पकौड़े जिंदगी में तो मैं पकौड़े भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसे बने हैं। पहले पहली बार बनाए कैसे? अच्छे हैं, क्रिस्पी हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे मैंने बात कही हूँ, बहुत अच्छे बनाए। तो दोस्तों आप भी आओ और इस पार्टी को एंजॉय करो और माशा मस्ती मारो। आइए तो फ्रेंड्स, मुझे ये तो पता था कि कुछ सरप्राइज़ है, पर ये नहीं पता था कि क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे अंशी ने बताया था कि अंशी कहती मम्मी हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मुझे नहीं पता था क्या किया है। तो क्योंकि मुझे ये था कि अभी तो लॉकडाउन है तो ये केक कहाँ से लाएंगे और बंद है सारी दुकानें, पर इनके कोई जान पहचान का है तो उन्होंने बनाया था, उन्होंने अभी काम शुरू किया और इनके दोस्त हैं तो वो उनसे लेके आइए, तो ले आए थे फिर इसलिए। और पकोड़े फर्स्ट टाइम पे ट्राई किए, बहुत अच्छे बने हैं पकोड़े, वाकई में बहुत अच्छे बनाए। पहली बार
वैसे तो ये बना लेते हैं कि चाय वगैरह और थोड़े से कभी सब्जी, पर पकोड़े वगैरह कभी इन्होंने ट्राई नहीं किया और आज पहली बार किया है। मैं आदि के साथ सोई हुई थी पर मुझे खुशबू आ गई थी। वैसे आदि को सुलाती हूँ ना मैं दिन के टाइम पे, तो मुझे खुशबू आई थी कि पकौड़ों की सी खुशबू आ रही है, तो मैं समझ गई कुछ ना कुछ है किया है। पर मुझे ये पता नहीं था कि इतने अच्छे बना लेंगे ये लोग। बहुत अच्छा किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर बताना कमेंट्स करके कैसे लगा। अभी तो मेरे राव जी मुझे लग रहा मैंने गलती कर दी है। अगर पकौड़े खराब हो जाते तो शायद अगली बार मुझे बनाने को ना मिलता, लेकिन इस बार पहली बार में अच्छे बन गए, तो ऐसा लग रहा है कहीं दोबारा ना बोल दे कि पकौड़े तुम बनाओ। अब तो जब भी कोई पार्टी वगैरह होएगी तो, मतलब कुछ भी होएगा तो पकौड़े इनसे ही बनाऊंगी। अब अच्छे बनाते हो भाई पकौड़े तो बनाने पड़ेंगे। अब मेरी एक काम की, मतलब मेरी एक ड्यूटी कम हो गई है ना। सही है, बढ़िया है। ओ बेटे मौज कर आदि। ओ बेटे ये देखो आदि का मुंह। अच्छा लग रहा तुम्हें केक? भाई केक खाया कम है, मुंह में ज्यादा लगा लिया इसने। अंशी कैसे है पकौड़े? बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा। और पापा ही बनाएंगे ना आपसे तो? हाँ पापा से ही बोलूंगी अगली बार से तो मैं। हाँ जैसे बोल और पकौड़ों की बात आएगी बोलूंगी बनाओ पापा पकौड़े। तो अभी हम एक दो दिन, हाँ परसों तेज को आ गए थे गांव से, तो अभी तो मेरे गांव के भी और भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने वीडियो तो बनाए थे पर अपलोड में रेगुलर नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और क्योंकि आवाज़ वगैरह आती रहती है, तो एडिटिंग में थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैं यहाँ अभी आपको और भी वीडियोस अब आएंगे, तो प्लीज़ सारे वीडियो ज़रूर देखना। और आपको कैसा लगा ये वाला, मतलब जो सरप्राइज़ मुझे मिला है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैं 30 साल की हो गई हूँ। मेरे पति ने पहली बार 30वें बर्थडे में मेरे पहली बार मेरे लिए पकौड़े बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखो आदि को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।